चीज और है कि राजनीतिक गलियारों की जो चर्चा है तो नीलम मिश्रा और जनार्दन मिश्रा जी के बीच में मुकाबला न होकर के कहा जाता है कि राजन शुक्ला जी और अभय मिश्रा जी के बीच का मुकाबला, इस पर आपका क्या? जब कोई मुकाबले में हो तब कुछ कहें। भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने ये भी कहा है कि राजेंद्र शुक्ला इस पर तो उन्होंने कोई नहीं है टक्कर में, कहां पड़े हो चक्कर में। यही कहना चाह रहा हूं कि इस पर तो उन्होंने कहा कि राजन शुक्ला जी ने दो बार ठेका लिया था, एक बार महापौर का, एक बार सिमरिया का, इस बार रीवा का ठेका उनके पास है, तो इस बार कैसे होगा? हमने ठेका लिया है रीवा को हिंदुस्तान का सबसे बेहतर जिला बनाने का। नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। इस वक्त मौजूद हैं हम रीवा लोकसभा सीट के रीवा में, जहां पर उप मुख्यमंत्री राजन शुक्ला जी एक सभा कर रहे हैं। आइए उनसे मिलते हैं, मुलाकात करके रीवा संसदीय सीट के चुनावी माहौल को लेकर के उनसे चर्चा करते हैं। आज का जो कार्यक्रम रहा तो कैसा रहा? आज का कार्यक्रम बहुत ही शानदार रहा। और रीवा लोकसभा सीट के लिए अगर हम बात करें, चूंकि दो बार से जनार्दन जी लगातार विधायक हैं, माफ कीजिएगा सांसद हैं, तो इस बार किस तरीके से माहौल दिखाई देता है? 10 वर्षों के सांसद रहने के कारण और मोदी जी के 10 वर्ष प्रधानमंत्री रहने के कारण इस बार भारतीय जनता पार्टी के लोग नारा नहीं लगा रहे हैं, जरूरत नहीं पड़ रही है, देश की जनता ही नारा लगा रही है। अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। और एक चीज़ और है कि राजनीतिक गलियारों की जो चर्चा है तो नीलम मिश्रा और जनार्दन मिश्रा जी के बीच में मुकाबला न होकर के कहा जाता है कि राजन शुक्ला जी और अभय मिश्रा जी के बीच का मुकाबला, इस पर आपका क्या? कोई मुकाबले में हो तब कुछ कहें। भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने ये भी कहा है कि राजेंद्र शुक्ला कोई नहीं है टक्कर में, कहां पड़े हो चक्कर में। यही कहना चाह रहा हूं कि इस पर तो उन्होंने कहा कि राजन शुक्ला जी ने दो बार ठेका लिया था, एक बार महापौर का, एक बार सिमरिया का, इस बार रीवा का ठेका उनके पास है, तो इस बार कैसे होगा? हमने ठेका लिया है रीवा को हिंदुस्तान का सबसे बेहतर जिला बनाने का। राजन भैया जिंदाबाद, हाँ राजन भैया जिंदाबाद। और ये ठेका हमने नहीं लिया है, रीवा की जनता ने हमें दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ रीवा विधायक उप मुख्यमंत्री राजन शुक्ला जी, जिन्होंने रीवा संसदीय सीट को लेकर के, यहाँ के चुनावी माहौल को लेकर के हमसे चर्चा की। बने रहें द खबरदार न्यूज़ के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।